सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। तमाम आशिकाने हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया हुज़ूर महबूब इलाही सुल्तान मशायख ज़र ज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह को मैं ये इत्तला देना चाहता हूँ कि 809 गुस्ल शरीफ हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया का यानी यौम विलादत का दिन 12 सितम्बर से 13 सितम्बर तक जारी व सारी रहेगा। अंग्रेज़ी तारीख जो है 12 सितम्बर 2023 को इशा के बाद नजर नियाज फातह खानी लंगर पेश करा जाएगा। पूरी रात लंगर का भी अहतमाम रहेगा, कवाली महफिल समा भी जारी व सारी रहेगी। इशा के बाद 12 सितंबर को हज़रत की फातिया नजर नियाज पेश करे जाएंगे और यानी रात को 13 सितंबर लग जाएगी। 1:30 बजे पौने 2 बजे रात को तकरीबन गुस्ल शरीफ हज़रत की मज़ार शरीफ का दिया जाएगा और इंशाल्लाह हो सका तो मैं इस वक्त भी लाइव आकर आप सबको हाजिरी कराऊँगा। हुज़ूर महबूब इलाही की यौम विलादत का दिन बड़े ही धूमधाम से माशाल्लाह मनाया जाएगा। अल्लाह ताला सबको खुश आबाद रखे। जो जो लोग भी आना चाहते हैं दरगाह शरीफ के मुतालिक कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहते हैं ऊपर व्हाट्सएप हमारा नंबर मेंशन है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं। आप सबका दुआगो सैयद अदीब निज़ामी सजादा नशीन और इंचार्ज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैह की बारगाह से। आइए जो लोग भी जुड़ रहे हैं जुड़ते रहें, शेयर भी करते रहें ताकि इस वक्त खास वक्त में दुआ भी कर सकें। मुख्तसर सी दुआ करा देते हैं और लाइव ज़ियारत कर लें। सुभान अल्लाह व बिहम्दिही सुभान अल्लाह अलअज़ीम। बड़ा दरबार आली है निज़ामुद्दीन चिश्ती का, जहां में फैज़ जारी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। निज़ामी दर बदर जाने की तुझको क्या ज़रूरत है, बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। बस एक दरवाज़ा काफ़ी है निज़ामुद्दीन चिश्ती का। या हुज़ूर महबूब इलाही सुल्तान मशायख ज़र ज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह, जितने भी आशिकीन इस वक्त हाजिरी कर रहे हैं, लाइव ज़ियारत कर रहे हैं, हुज़ूर कॉमेंट्स कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, अर्ज़ो मारूस पेश कर रहे हैं, हुज़ूर सबकी हाजिरी ज़ियारत दुआ अल्तिजा अर्ज़ियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर अता फरमाए, मकबूल अता फरमाए, महबूब अता फरमाए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में दुआ फरमा दे। आप अल्लाह के वली हैं, आप खुदा के महबूब हैं। अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए। जो बीमार हाल हैं अल्लाह ताला सबको शिफाए कुल्ली से तंदुरुस्ती अता फरमाए। हुजूर आपकी यौम विलादत का दिन आने वाला है, अंग्रेजी तारीख 12 सितंबर रहेगी और पूरी रात और 13 सितंबर भी लग जाएगी। हुजूर जो लोग भी आना चाहते हैं आएंगे हुजूर, इस लाइव के जरिए भी अगर हो सका लाइव भी आएंगे, उस वक्त भी हाजिरी करेंगे हुजूर, सबकी हाजिरी भी कबूल फरमाइएगा हुजूर। अल्लाह ताला की बारगाह में दुआ फरमाएं। अल्लाह ताला सबके घरों में खुशियाँ अता फरमाए, बरकत रहमत अता फरमाए। जो बेरोजगार हैं अल्लाह रब्बुल इज्जत सबको रोजगार अता फरमाए। जिन बहनों की शादी नहीं हुई अल्लाह ताला सबके नेक और सालेह रिश्ते अता फरमाए। जो बे औलाद हैं अल्लाह ताला सबको नेक और सालेह औलाद अता फरमाए। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूल अल्लाह करम कीजिए अल्लाह के वास्ते, मुश्किल हल कर शह मुश्किल कुशा के वास्ते, कर बलाएं रद शहीद करबला के वास्ते। या इलाही हर जगह तेरी अता का साथ हो, जब पड़े मुश्किल चाहे मुश्किल कुशा का साथ हो। या इलाही भूल जाऊं नजा की तकलीफ को, शादी रोज़े महशर में मुस्तफ़ा का साथ हो, मुस्तफ़ा का साथ हो, मुस्तफ़ा का साथ हो। या हुजूर महबूब इलाही सुल्तान मशायख ज़र ज़र बख्श पंज तन पाक का वसीला ज़रिया अता फरमा। अपने पीर व मुर्शिद बा फरीद मसऊद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह का सदका वसीला ज़रिया अता फरमा। हुजूर खास निगाह करम फरमाए, तमाम चाहने वालों की खैर फरमाएं। जितने लोग भी इस लाइफ के जरिए हाजिरी कर रहे हैं हुजूर आपकी बारगाह में नहीं आ सके, हुजूर इस लाइफ के जरिए सबकी हाजिरी ज़्यादा दुआएं तिजाएं अर्ज़ियाँ अपनी बारगाह में कबूल फरमाएं, मंजूर अता फरमाएं, मकबूल अता फरमाएं। हुजूर आपकी यौम विलादत का दिन आने वाला है, गुस्ल शरीफ आने वाला है हुजूर। जो जो लोग भी हाजिर होंगे उनकी भी हाजिरों कबूल फरमाएं। या हुजूर महबूब इलाही सुल्तान मशायख ज़र ज़र बख्श रहमतुल्लाह अलैह, खास निगाहें करम फरमाएं। या इलाही या रसूल अल्लाह उन्ज़ुर हालना, या हबीब अल्लाह इस्मा कालना, इन्नी फी बरहम मिन मुग़रक़िन खुज़ यदी साहिर लना शकालना। व सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही व नूर अर्शिही मुहम्मद व सहाबिही अजमईन बि रहमतिक या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन या अरहमर राहिमीन। या इलाही वक़्त खुश राहत दिल आबिद अता फरमा। अल्लाहुम्मा अंतस सलाम व मिनकस सलाम व अलैका अर्जी अस्सलाम। हय्यना रब्बना बिस्सलाम अदखिलना दार अस्सलाम। तबारकत रब्बना व तआलैत हाज़ल जलाल वल इक्राम والإكرام يا عزيز يا غفار يا رب العالمين يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين سبحان الله سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم। जैसे कि आप सबको एक और मरतबा मैं बता दूं कि हज़रत का यौम विलादत का दिन आने वाला है, जो कि अंग्रेज़ी तारीख 809 गुस्ल शरीफ है हज़रत का। अंग्रेज़ी तारीख 12 सितंबर रहेगी। इशा के बाद नजर व नियाज फातह खानी और लंगर भी पेश होगा और सबके लिए दुआ करी जाएगी और गुस्ल शरीफ जो है वो रात लग जाएगी, तो 13 सितंबर लग जाएगी तकरीबन डेढ़
पौने दो बजे, दो बजे तकरीबन गुस्ल शरीफ दिया जाएगा हजरत की मज़ार मुबारक को, और वो पानी भी लोगों में तकसीम करा जाएगा तबर्रुक के तौर पर। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की परेशानियाँ दूर हों, मुश्किल आसान हों, जो हुजूर महबूब इलाही के दरबार पर नहीं आ सके हैं उनके लिए भी इस लाइफ के ज़रिए हाजिरी भी कर रहे हैं, हाजिरी पेश कर रहे हैं, दुआओं की भी दुआ भी कर रहे हैं। अल्लाह ताला हुजूर महबूब इलाही के वसीले से सबकी परेशानियों को दूर फरमाए, सबको खुशियाँ अता फरमाए, सबके घरों में बरकत रहमत अता फरमाए, जो बेरोज़गार हैं अल्लाह ताला सबको रोज़गार अता फरमाए। आप सबका दुआगो सैयद अदीब निज़ामी सजादा नशीन और इंचार्ज दरगाह हज़रत निज़ामुद्दीन औलिया महबूब इलाही रहमतुल्लाहि ताला अलैहि की बारगाह से। दरगाह शरीफ के मुतालिक आपको कुछ भी इंफॉर्मेशन चाहिए ऊपर व्हाट्सएप हमारा नंबर मेंशन है, आप लोग हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं इंशाअल्लाह ताला। और जितने भी रसूमात रहेंगी अगर वक्त मिला तो ज़रूर उस वक्त भी लाइव आने की कोशिश करेंगे, एक और मरतबा दीदार कर लें फिर इंशाअल्लाह ज़रूर लाइव आएंगे। सुभानअल्लाहि व बिहम्दिही सुभानअल्लाहि अलअज़ीम। या हुज़ूर महबूब इलाही पूरी दुनिया से लोग इस लाइव के जरिए हाजिरी कर रहे हैं, सबकी हाजिरी ज़्यादा दुआ इल्तिजा अर्ज़ियां अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, मंजूर अता फरमाए, मकबूल अता फरमाए। जिन जिन लोगों ने दुआओं के लिए दरख्वास्त करी है कॉमेंट्स करके दुआ कर रहे हैं, अल्लाह ताला सबकी परेशानी को दूर फरमाए, मुश्किल आसान फरमाए। सरकार का गुस्ल शरीफ की इत्तिला मैंने आपको दे दी है, इंशाल्लाह जो लोग भी आना चाहते हैं इंशाल्लाह ज़रूर आएँ, सबके लिए हम दुआ कर रहे हैं। मैं फिर इंशाल्लाह ज़रूर लाइव आऊँगा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।